हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीताज डायरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना समर स्किन केयर फेवरेट प्रोडक्ट, जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। और यूजुअली समर्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है फॉर योर स्किन, क्योंकि इंडिया का समर सभी लोग जानते हैं स्वेटिंग भरा होता है, स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है। तो उसके लिए मैं जो प्रोडक्ट यूज करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और दैट टू वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट नहीं है, तो ईच एंड एवरी वन कैन यूज देम। और अगर आप भी उन प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर आपको इसकी प्राइसिंग डिटेल दूंगी और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइंग लिंक भी दूंगी, ताकि आप वहीं से डायरेक्टली जो है इन प्रोडक्ट को खरीद सके। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल समथिंग, दैट जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है आप लोगों के लिए, यानी कि उसमें मैं कुछ सरप्राइज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, और दैट टू वो वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड क्लोज टू माई हार्ट है, तो प्लीज उसको मिस मत कीजिएगा। बट उसके लिए आपको करना पड़ेगा, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि वो वीडियो आप लोग मिस ना कर सके। तो चलिए विदाउट फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले प्रोडक्ट की जो मैं यूज करती हूँ, और वो है एक शावर जेल। तो चलेंगे शावर से लेकर स्किन केयर तक। दिस इज निविया शावर जेल विद फ्रेंगिपनी एंड ऑयल, यानी कि कोई फ्रेंगिपनी फ्लावर का ऑयल है इसमें। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट या ये जो पैक है ये 250 ml का है, और मुझे जो पड़ा है प्राइसिंग है इसकी 199 rupees, तो काफी अफोर्डेबल है, लेकिन बहुत ही अच्छा शावर जेल है। एक बार आप इसे यूज कर लेंगे तो आप दूसरा शावर जेल यूज नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर। तो ये है निविया का शावर जेल जो मैं अपने शावर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बॉडी लोशन विच आई यूज। दिस इज निविया मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क, 48 hours की प्रोटेक्शन है इसकी। इसमें लिखा है एंड मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ दैट येस, कम से कम 48 hours का मुझे नहीं पता, बट नेक्स्ट शावर जब भी आप लेंगे तब तक आपकी बॉडी मॉइस्चराइज रहेगी। यानी कि अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल टू ड्राई है, तो ये तो बॉडी लोशन आपके लिए वरदान है, एंड यू हैव टू ट्राई इट वंस। बहुत अच्छा लगा मुझे ये बॉडी लोशन। पहले मैं वैसलीन का यूज करती थी, लेकिन जब से मैंने निविया पे स्विच किया है तब से मैंने इसके अलावा कोई भी बॉडी लोशन यूज नहीं किया है। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो है टैल्कम पाउडर। तो दिस इज द टैल्कम पाउडर विच आई एम यूजिंग, एंड दिस इज निविया मस्क टैल्क। बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग पाउडर है और समर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। और मैं बताऊं तो काफी टाइम तक ये इसकी जो फ्रेग्रेंस है आपकी बॉडी में रहती है, तो रिफ्रेश कर देता है आपकी बॉडी को, क्योंकि समर में स्वेटिंग वगैरह बहुत होती है। तो आई थिंक पाउडर इज द बेस्ट सोल्यूशन, तो मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। इससे पहले जो टैल्कम पाउडर मैं इस्तेमाल करती थी वो था पॉन्ड्स। पॉन्ड्स भी बहुत अच्छा पाउडर है, आप अगर ये नहीं लेना चाहते तो पॉन्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉन्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रेग्रेंस आती है, ये बहुत ज्यादा रिलायबल इसलिए है क्योंकि निविया की तरफ से है। अब आप सोचेंगे कि क्या मैं निविया का ब्रांड एंडोर्समेंट कर रही हूँ, क्योंकि जो तीनों प्रोडक्ट है निविया के बताए हैं मैंने, बट आई डोंट नो व्हाई आई एक्चुअली लव निविया फ्रॉम चाइल्डहुड, और मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। बहुत ज्यादा केमिकल फ्री प्रोडक्ट है ये, ज्यादा केमिकल्स नहीं है इसमें, बहुत सूदिंग सी इनकी फ्रेग्रेंस होती है, तो इसलिए मुझे निविया जो है बचपन से बहुत पसंद है। तो ये भी निविया का है, ये कोइंसिडेंट है, बट या मैं ये चीजें यूज करती हूँ निविया की। द नेक्स्ट वन इज, अब बात करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट की जो मैं यूज करती हूँ, ये है बायोटिक बायो क्यूकुम्बर प्योर टाइटनिंग टोनर विद हिमालयन वाटर। और आप लोगों ने इसका रिव्यू भी देखा था मेरे बायोटिक वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ बायोटिक प्रोडक्ट की, आप लोग जानते हैं। इसे मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, आई थिंक ये फोर्थ या फिफ्थ बॉटल होगी जो मैं यूज कर रही हूँ। मैं हमेशा इसे ऑनलाइन मंगाती हूँ, और ये जो है बहुत ही नेचुरल है, ये आयुर्वेदिक रेसिपी है इसमें। एक्चुअली मैं जो चाहती हूँ अपनी स्किन के लिए, ज्यादातर जो है हर्बल प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो दिस इज वन ऑफ देम। और इसमें क्यूकुम्बर है और कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जो आपकी स्किन को टाइटन करते हैं, यानी कि लूज नहीं करते, तो मुझे ये टोनर बहुत पसंद है।
तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो है स्क्रब, जो मैं यूज करती हूँ वंस इन अ वीक। मैं हमेशा स्क्रब को यूज करती हूँ फेस को क्लेंज करके। तो ये जो स्क्रब है थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब इसे अफोर्डेबल नहीं कहेंगे हम। दिस इज कामा का फेस स्क्रब है। ये हिमालयन आलमट डीप क्लेंजिंग फेस स्क्रब है। बहुत ज्यादा स्मूथ स्क्रब है ये, एंड द फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो वेरी सूदिंग। तो ये स्क्रब मैं आजकल यूज कर रही हूँ वंस इन अ वीक, और इसका मैं अलग से इसका रिव्यू देने वाली हूँ मैं कामा के जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनका, तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट दिस इज द बेस्टेस्ट बेस्टेस्ट स्क्रब। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्क्रब मार्केट में और अवेलेबल नहीं है, अफोर्डेबल स्क्रब भी है। कुछ स्क्रब है बायोटिक का जो स्क्रब है, मैं पहले इससे यूज कर रही थी, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा स्क्रब है। और वो स्क्रब जो है वो भी नेचुरल इंग्रीडियंट से बना हुआ है, हर्बल प्रोडक्ट है, तो स्किन को हार्म नहीं करेगा। तो ये है मेरा स्क्रब। स्क्रब से पहले एक्चुअली मुझे क्लेंजिंग मिल्क आपको दिखाना था, लेकिन पहले मैंने स्क्रब दिखा दिया, कोई बात नहीं। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिससे मैं अपना फेस जो है क्लेंज करती हूँ, और ये मैं एवरीडे करती हूँ, ऐसा नहीं है वंस इन अ वीक करती हूँ। तो ये है दिस प्रोडक्ट, दिस इज द खादी ओमरोज क्लेंजिंग मिल्क एंड मेकअप रिमूवर। तो ये क्लींजिंग मिल्क का काम भी करता है, इससे मैं मेकअप भी रिमूव करती हूँ, दोनों काम हो जाते हैं मेरे। तो ये भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें भी नेचुरल इंग्रेडिएंट है। सब आप लोग देखेंगे मेरे जो प्रोडक्ट है वो कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ज्यादा ज्यादा जिसमें थोड़ा बहुत केमिकल भी होगा, जैसे कि ये बॉडी लोशन वगैरह, ये हर्बल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये। तो दिस इज द क्लेंजिंग मिल्क विच आई एम यूजिंग दीज डेज, और ये भी आई थिंक खादी की मेरी दूसरी या तीसरी बॉटल होगी क्लेंजिंग मिल्क। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सूदिंग है, और बिल्कुल आपके फेस को जो है ड्राई नहीं करेगा, तो बहुत अच्छा है ये क्लेंजिंग मिल्क। तो नेक्स्ट अगर समर की बात करूं तो बात करती हूँ मॉइस्चराइजिंग लोशन, और अगेन वो जो लोशन है वो है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर विजिबल फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर। और इसका भी मैं अपने बायोटिक वाले में रिव्यू दे चुकी हूँ। बायोटिक ये मेरी कम से कम चौथी या पांचवी बॉटल होगी मॉइस्चराइजर की, इसके अलावा मैं कोई भी मॉइस्चराइजर यूज नहीं करती। आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा मैं थोड़ी सी ब्रांड कॉन्शियस हूँ, यानी कि कोई ब्रांड मैं अगर यूज करती हूँ तो मैं उसे सालों साल यूज करती हूँ, और अगर मैं उसे स्विच करती हूँ तो बहुत ही जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है उससे बेटर ही होगा, तभी स्विच करती हूँ, नहीं तो मैं यूज करती हूँ। तो दिस इज वन मॉइस्चराइजर विच आई एम यूजिंग दीज डेज। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई एम वेरी फाउंड ऑफ, मैं आई थिंक समर्स के लिए स्पेशली बता रही हूँ, ये प्रोडक्ट एक रामबाण इलाज है आपकी हर स्किन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, वो है एलोवेरा जेल। समर्स में अगर आप एलोवेरा जेल को फ्रीज करके रखते हैं, तो मैं हमेशा इसको फ्रीज करके रखती हूँ, उसके बाद जब मैं मेरा सारा काम हो जाता है घर का तो फटाफट से मैं इससे मसाज करती हूँ रात में और सो जाती हूँ, और सुबह फेस जो है वॉश कर लेती हूँ। तो मैं तो एलोवेरा जेल के बिना नहीं रह सकती समर्स में, तो मेरे पास ऐसी कई बॉटल जो है फ्रिज में लगी हुई है। तो दिस इज पतंजलि एलोवेरा जेल, तो समर्स में मस्ट यूज है ये अगर आप लोग करना चाहें, एज यू विश, बट मैं इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो माई फेवरेट वन, और आई यूजली यूज दिस प्रोडक्ट एज अ फेस मिस्ट, तो वो है ये है डाबर गुलाबरी रोज वाटर। आप लोग जानते हैं ये रोज वाटर, आई थिंक द फर्स्ट रोज वाटर, जब मैंने जाना था रोज वाटर क्या होता है तब से मैं इसे यूज कर रही हूँ, और इसके अलावा मैं कोई और ब्रांड यूज नहीं करती हूँ रोज वाटर में, क्योंकि इसे मैं इस्तेमाल करती हूँ एज अ फेस मिस्ट। यानी कि कोई भी स्प्रे बॉटल इस तरीके की उसमें मैं डालकर इसे बैग में रखती हूँ अगर मैं बाहर जाती हूँ, और नहीं तो मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ, और जब भी मेरा जिस तरह जब मैं एलोवेरा जल लगाती हूँ तभी मैं इसे रोज वाटर को भी यूज करती हूँ, अपने फेस पैक में भी यूज करती हूँ। तो ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है। फेस की बात हो रही है तो बात करते हैं कि मैं फेस वॉश कौन सा यूज करती हूँ, वो है ये फेस वॉश, दिस इज हिमालय प्योरिफाइंग नीम फेस वॉश। और अगर मैं आपको बता रही हूँ ये फेस वॉश आपने यूज कर लिया तो आप
कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इतना सूदिंग, इतना रिफ्रेशिंग, इतना सॉफ्ट फेस वॉश है आपकी स्किन के लिए और ऐसे क्लेंस करता है फेस को जैसे आपने फेशियल कराया हो। तो मुझे जो है स्पेशली अब मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ और ये जो फेस वॉश है ये मैं टोटली आपको रेकमेंड करती हूँ। एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए, यू विल नॉट स्विच टू एनी अदर ब्रांड फ्रॉम दिस वन। हिमालय क्या है, अगेन नेचुरल सोर्सेस से है, ये नीम है, इसमें हर्बल प्रोडक्ट है एंड वेरी गुड फॉर स्किन। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मेरे डार्क सर्कल्स, तो उसके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट यूज करती हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट है दिस वन, आपको शायद नहीं आ रहा होगा कैमरे में, मैं अलग से आपको दिखाऊंगी। तो दिस इज गुड वाइब्स कुकुम्बर एंड लेमन अंडर आई सीरम, और ये सीरम बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत लिटिल अमाउंट लगता है इसका आईज पे एंड यू हैव टू मसाज इट। और जब से मैंने यूज किया है और मेरे जो डार्क सर्कल्स में फर्क जो है मुझे दिखा है, प्लस ये भी गुड वाइब्स का है, हर्बल प्रोडक्ट है तो कोई केमिकल नहीं है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये चाहे समर हो चाहे विंटर हो मैं हमेशा यूज करती हूँ, यानी कि जब भी मैं हैंड वॉश करती हूँ आई यूज हैंड क्रीम, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ फ्रीकी अबाउट दिस कि मैं अपने जो हैंड्स हैं वो ड्राई नहीं छोड़ती, नेवर एवर। और मैं आप लोगों को से भी कहती हूँ, अगर जब भी आप हैंड वॉश करते हैं डायरेक्टली आप तुरंत उसको मॉइस्चराइज करें ताकि जो ये लाइन्स आपकी हैंड पर पड़ जाती है, एजिंग हो जाती है, वो नहीं होती। तो ये हैंड क्रीम पता नहीं मैं कब से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो समर है और अगर समर है तो परफ्यूम की बात ना हो और कोई डिओड्रेंट की बात ना हो तो ये नहीं हो सकता, लेकिन अभी मार्च से मैं एक जो परफ्यूम स्प्रे है वो यूज कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें बाहर तो जाना नहीं है, घर पे ही हूँ। पर घर पे जो मैं यूज कर रही हूँ वो आई थिंक आप शायद लाइफ लॉन्ग मैं यूज करूंगी, क्योंकि आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट। दिस इज इंगेज कूल एक्वा पॉकेट परफ्यूम। इसके ये कूल एक्वा है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस में ये पॉकेट परफ्यूम है। फ्रेंकली स्पीकिंग ये मैंने एज अ गिफ्ट पर्पस मंगा रखे थे बहुत सारे, लेकिन जब क्वारंटीन में हो गए हम, लॉकडाउन हो गया, तो पार्टीज जो है वो ओवर हो गए, तो इस वजह से मैं इसे यूज कर रही हूँ। एंड द फ्रेग्रेंस इज सो सूदिंग, सो ट्रिमेंडस फ्रेग्रेंस इट हैज, और ये जो फ्रेग्रेंस है आपको कम से कम 12 आवर आपकी बॉडी पे रहेगी, दैट्स आई एम गिविंग यू अश्योरिटी। तो इसकी मैं बड़ा पैक भी इंगेज का ही परफ्यूम अब यूज करूंगी, तो ये बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है, आप एक बार इसे यूज करके देखिए, और पॉकेट फ्रेंडली है। नेक्स्ट है जो मैं हेयर के लिए यूज करती हूँ वो है दिस वन, दिस इज लिवॉन शेक एंड स्प्रे सीरम। और लिवॉन सीरम सभी लोग जानते हैं, एक बॉटल में आता है जो एक थोड़ा सा थिक सीरम होता है, बट ये है स्प्रे वाला सीरम। अगर आपने अपने हेयर वॉश नहीं कर रखे हैं और यू फील द स्वेटिंग इन योर हेयर, स्टिंकी हो रहे हैं और आपको कहीं जाना है, तो आप जस्ट इसे अपने बालों में स्प्रे कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। तो ये सीरम भी मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। तो गाइज ये थे मेरे फेवरेट प्रोडक्ट जो मैं हमेशा यूज करती हूँ स्पेशली समर्स में, और ये मेरे समर के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके साथ मैं अपना जो रूटीन है फेस केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर वो करती हूँ। तो आई होप यू लाइक द प्रोडक्ट। अभी के लिए वाइंड अप करती हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय फॉर नाउ।